जी ये आवाज क्लियर है, काइंडली पूछे शाबाश। जी बिल्कुल, मिक्स्ड इकोनॉमी, बिल्कुल इमरान, मिक्स्ड इकोनॉमी जी। देखिए तरपन समझाता हूँ भाई, मिक्स इकोनॉमी इसलिए कि हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया हुआ है, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप चलती है, हर कोई अपना अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, ठीक है जी, लेकिन कुछ सेक्टर हुकूमत के पास भी है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हुकूमत ने रेगुलराइज किया हुआ है, उस पर भी हुकूमत की चेक एंड बैलेंस होती रहती है। तीसरा पॉइंट ये है इकरा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्रिएट कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी, जब हुकूमत इंटरवेंशन करेगी हर चीज में तो बिजनेसमैन होगा डिस्टर्ब, बिजनेसमैन को ये चीज क्लियर नहीं है कि आगे जाके हुकूमत हम पे क्या क्या चीजें इम्पोज करेगी, क्या कौन कौन से लॉस मजीद वो लाना चाहते हैं। जिस तरह हुकूमत ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, हो सकता है कि फ्यूचर में हुकूमत मजीद टैक्स बढ़ा दे, ठीक है ना, शायद ये हो सकता है कि हुकूमत मजीद कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल ले आए जो कि इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद ना हो। सही है जी, तो हुकूमत दोनों एंगल पे काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, कभी कभी वो उसको सब्सिडी दे देती है, कभी कभी स्ट्रिक्ट रूल लेकर आते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो होता है ना वो डिस्करेज हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, एक अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल अभी बजट पेश होगा ना जून में, तो ये मुमकिन है कि टैक्स रेट मजीद बढ़ा दें। सही है जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के, शायद वो ज्यादा टैक्स बढ़ा दे तो इन्वेस्टर डिस्करेज होगा, डिस्टर्ब होगा। सही है ना जी, तो जिधर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो फायदे भी तो हैं कि चीजों को रेगुलराइज कर, चीजों को देख रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि एक अनसर्टेनिटी है प्रोड्यूसर के लिए कि शायद फ्यूचर में कोई ऐसी लॉ हुकूमत इंप्लीमेंट करवा ले जिससे हम डिस्टर्ब हो, तो जब प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो ये एक मसला है इसमें। अब क्लियर है जी, मोस्ट वेलकम जी। जी इमरान अब क्लियर है, पाकिस्तान में तकरीबन मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, आप देख लो ना यार, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट है, जो प्राइवेट है उस पर भी चेक एंड बैलेंस है, लेकिन प्राइवेट ऑनरशिप होती है ना, वो अपने अपने डिसीजन लेते हैं, वो जो फीस चार्ज करना चाहते हैं, जिस तरह कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल करना है, किस तरह एनरोल नहीं करना, ठीक है ना, आप देख लो, अब मेडिकल इंस्टीट्यूट कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, ठीक है ना, तो जो प्राइवेट है उसकी अपनी फीस होती है, वो अपनी अपनी फीस चार्ज करते हैं, हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके अपने डिसीजन के भी हमने ये फीस लेनी है, हम तब आपको एडमिशन देंगे, तो उसके अपने डिसीजन होते हैं ये। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्लियर है जी, बस ये एक नजर एग्जांपल पढ़ लें कि मिक्स्ड इकोनॉमी किधर किधर है, और ये बस ये कंक्लूजन में एक नजर पढ़ लें। यार डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, हर मुल्क पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा मुल्कों में मिक्स्ड इकोनॉमी, देखें किन किन मुल्कों में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तकरीबन ये देखूं फ्री मार्केट इकोनॉमी किधर है, मिक्स्ड इकोनॉमी किधर है, ठीक है ना, ये बस आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से ना आप सिर्फ एक नजर ये देख लो कि इसमें लिखा गया, बस ये इतना नहीं है, ये बस सिर्फ एक ही दफा पढ़ लो बस, फिर इसकी रिविजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, बस इसको आप एक नजर देख लो कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना एक दफा पढ़ लो बस, ये वाले ये एक दफा पढ़ लो, इतना नहीं है बस। प्लैंड इकोनॉमी ये इम्पोर्टेंट है लिखा है ये, इसको ना आप एक दफा पढ़ लो, इसको भी एक दफा पढ़ लो कि प्लैंड इकोनॉमी कैसे कहते हैं, और इसको भी आप एक दफा पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मार्जिन डेटा सब्स्टिट्यूशन, ये हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये तो उसके वो जो मैंने आपसे रेशो निकाला था ना, वो रेशो कि इधर हमने कि इधर हमने दो को लॉस किया, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को, सिंपल वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, कि जब मैंने इधर दो लॉस किए और 18 गेन किया, इधर तीन लॉस किए और 11, और इधर फाइव लॉस किया और 1 गेन किया, इस रेशियो को मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि एक गुड्स के बदले में
मैंने दूसरी को कितना सेक्रीफाइस किया, देखो डिफिनेशन देख लिया आप, द अमाउंट ऑफ वन गुड विच मस्ट बी फॉरगॉन टू गेन वन यूनिट ऑफ अल्टरनेटिव, कि फॉर एग्जाम्पल गुड ए के मैंने कितने यूनिट लॉस किए गुड बी के यूनिट को अटेन करने के लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अनदर नेम क्या है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जी क्लियर है, इसको आप एक नजर पढ़ लें, एग्जाम्पल को एक नजर पढ़ लें, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने आपसे कहा था, ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल नहीं तो मैं हम फिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ चलते हैं। रिलेवेंस इंट्रोडक्शन की इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है क्या, जिस एक नजर पढ़ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं है बस, इसको इकोनॉमिक साइंस और इकोनॉमिक सिस्टम में क्या फर्क है, इकोनॉमिक सिस्टम तो जिस तरह गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किस तरह गुड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमिक सेंस कि हमने अपनी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटीज को किस तरह इंप्रूव करना है, फॉर एग्जांपल हमने कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। नहीं यार सर आज के लिए क्या काफी है भाई, खत्म करते हैं आज टॉपिक को, कल तो फिर वीकेंड है ना, फिर कल क्लास नहीं लोगे फिर, नहीं काफी नहीं है ना, ये कम है यार, थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आसान है यार, आपको समझ भी आएगा, ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स अभी तो 15 मिनट से है यार, ठीक है, तो मैं नहीं समझते सैफुल्ला, मैं नहीं समझा भाई, यार बस पढ़ते हैं बस, डेट सेट सैंपल, एफसी भी करने, थोड़ा पढ़ते हैं यार बस, इट्स ओके, इतना नहीं, कल छुट्टी भी है ना, स्टैटिस्टिक तो आसान है, मोनो स्टैटिस्टिक में है क्या, मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, सो इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम की किस तरह चीजों को प्रोड्यूस करना है, और इकोनॉमिक साइंस यानी किस तरह चीजों में प्रोडक्टिविटी ले आए, किस तरह इफिशियंसी ले आए, इसको कहते हैं इकोनॉमिक साइंस, फॉर एग्जाम्पल कि यार अगर मैं एक चीज को लेबर इंटेंसिटी के थ्रू प्रोड्यूस कर लूं या कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू, किसमें मुझे एफिशिएंसी ज्यादा देगी, तो इस नॉलेज को कहते हैं इकोनॉमिक सेंस, तो ये भी एक नजर आप पढ़ ले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है भाई, फ्यूचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान, देखें हमने 3 सिस्टम वो पढ़ लें, ठीक है, और अब एक सिस्टम है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इस्लाम का मआशी निजाम, इस्लाम क्या कहते हैं मईशत के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं, उधर हर एक के अपने अपने फीचर्स थे, इधर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अपने फीचर्स हैं, ठीक है, उधर इसका पहला फीचर अल्लाह इज द सस्टेनर, अल्लाह जो है ना वो हाकिम है, अल्लाह ने हर चीज को तख्लीक किया हुआ है और जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो अल्लाह के लिए हैं, ठीक है जी, तो फिर हमें अल्लाह के कानून का ताबे होना चाहिए और हलाल तरीकों से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए और हराम तरीकों से बचना चाहिए, पहले पॉइंट्स का मतलब ये कि अल्लाह ताला ही हर चीज का तख्लीक करने वाला है, अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई हुई, अल्लाह इज द ट्रू ऑनर ऑफ एवरीथिंग, उधर क्या था प्लैंड इकोनॉमी में कि ऑनर कौन होगा, स्टेट, फ्री मार्केट में क्या था इंडिविजुअल ऑनरशिप, इधर क्या कहते हैं, इधर कहते हैं कि अल्लाह इज द ट्रू ऑनर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, हाँ ये चीजें उसने इंसान के लिए बनाई है कि इंसान इन चीजों से फायदा ले, कैपिटलिज्म में क्या था, दिस कंपेयर्स द कैपिटलिस्ट बिलीव दैट द ह्यूमंस आर द ओनर रिसोर्सेज दे पोसेस, कैपिटलिज्म में ये था कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो उनके मालिक है, हम कहते हैं नहीं भाई अल्लाह हर चीज का, जितनी भी चीजें हैं उसका मालिक अल्लाह है, ठीक है जी, और वो उसने इंसान की जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाई है, स्टेट ऑनरशिप, देखें इस्लाम कभी भी आपको स्टेट को नहीं रोक देगी, आप ऑनरशिप ना करो, ठीक है आपके पास रहे ऑनरशिप, लेकिन हम यही कहेंगे कि
इसका असल मालिक अल्लाह ताला है, ठीक है। देयर इज नो बैन ऑन द स्टेट बाइंग इन एंटरप्राइज, हाउएवर ए फ्री मार्केट इकोनॉमी स्टिल एग्जिस्ट। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम दोनों की बात करते हैं, स्टेट ओनरशिप की भी, इंडिविजुअल ओनरशिप की। लेकिन हम कहते हैं कि हम सिर्फ इंसान सिर्फ खलीफा हैं, असल मालिक अल्लाह ताला हैं, और अल्लाह ताला ने वही चीजें इंसान के लिए पैदा किए ताकि वो उनसे फायदा ले। ये दो तीन पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर। अगर आप इसको इसके साथ भी मिक्स करें तो कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम ना इंडिविजुअल ऑनरशिप पे बैन लगाता है, ना स्टेट ऑनरशिप पे बैन लगाता है, लेकिन कहने का मतलब ये कि असल मालिक अल्लाह ताला है, हम सिर्फ एक खलीफा हैं, ठीक है, हम उसके मखलूक हैं, ठीक है, और उसी के अल्लाह ताला की चीजों को, जो चीजें पैदा की उसको इस्तेमाल करके हम उनसे फायदा लें। कोई हम दावा नहीं करते कि ये हमारी अपनी है, ये अभी हमने खुद किए, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें दी है। प्रैक्टिसिंग मॉडरेशन, यार एतदाल से काम लो, ठीक है, लीगल तरीकों से पैसा कमाओ और हराम तरीकों से बचो, ठीक है ना, एतदाल से काम लो, ज्यादा हिरस भी ना करो और घर में फारग भी मत बैठो। ये इस्लाम बताते हैं, इसके फीचर्स हैं। प्रोहिबिशन ऑफ, भाई इस्लाम में सूद हराम है, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और ज़कात को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इस्लाम में सूद हराम है, रिबा अरबी का लफ्ज है, सूद को या इंटरेस्ट को अरबी में रिबा भी कहते हैं। इट इज फॉरबिडन इन इस्लाम, ठीक है, कि आप किसी को पैसे दे दो फिर उनसे सूद दो, तो ये हराम हराम है। अर्निंग, इस्लाम कहते हैं आप पैसे कमाओ लेकिन हलाल तरीके से कमाओ, ठीक है, दूसरों को एक्सप्लॉयट करके मत कमाओ। जिस तरह फ्री मार्केट इकोनॉमी में था, फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक्सप्लोटेशन थी, भाई आप हलाल हराम तरीके कोई तमीज नहीं, आप पैसे कमाओ, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है जी। कैपिटल सोशलिज्म में या प्लान्ड इकोनॉमी में हुकूमत ने आपको रोका था, हुकूमत कहती आप कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं, आप अपने लिए पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है, स्टेट जो कहेगी आपने वो करने। इस्लाम कहते नहीं, आप कमाओ, ठीक है, लेकिन हलाल तरीकों से। होर्डिंग ऑफ वेल्थ इज डिस्करेज, इस्लाम ज़खीरंदोज़ी को मना कर दे, ज़खीरंदोज़ी इस्लाम में मना है। और ज़कात, अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आपने ज़कात देना है जी। इन पॉइंट्स में कोई इशू पढ़ ले, बस एक दो मिनट ले, जल्दी जल्दी पढ़ के ना, कोई मसला हो तुम। इधर से एक सवाल आया था कि व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, एक दफा आया था, मैं एक के दो दफा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। उसने कहा यार कोई से भी चार लिख लो, कोई चार फीचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हो, तो इन आठ में से आप कोई भी चार लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको आते हैं। तो जरूरी नहीं कि उसने आपसे चार मांगे और आप आठ लिख लो, नहीं, इनमें से कोई भी चार आपको सही सही आते हो, चार मार्क्स का सवाल था तो बस चार लिख लो भाई। अगर उसने आपसे पांच मांगे हो तो पांच लिखो, ठीक है, फिर सारे लिखने की जरूरत नहीं। उसने अगर आपसे दो मांगे हो तो दो लिख लो, जब एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि यार तीन या चार लिखो तो फिर तीन या चार लिख लो, ठीक है, अपनी तरफ से एफिशिएंसी शो मत करो बस। पाकिस्तान में ये इस्लामिक फ्यूचर अप्लाई होते हैं यार, अभी तक तो नहीं, क्योंकि इधर ठीक ठाक सूद भी मिलता है, ठीक है ना, होर्डिंग भी तो होती है, अभी आपको पता होगा रिसेंटली सूद बैंक ठीक ठाक देते हैं, सही है जी। मॉडर्नाइजेशन कोई नहीं करता, इत्तेदा से कोई, हम सारे हिरसी हैं, अकाउंटेंट लोग तो अल्लाह माफी दे, बस पैसा पैसा, ठीक है ना जी, अच्छे अच्छे लोग हैं यार, सही जी। एंड सारे कहते यार दस ये हमारा है भाई, प्रैक्टिस मोड है कि यार इत्तेदाल से काम लो, इतना हिरस ना करो, ठीक है ना, इत्तेदाल से हलाल तरीके से कमाओ, ठीक है, ये नहीं कि दिन रात आपने एक की हो और बस पैसा 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 और बाकी चीजें आपने छोड़ दी हो ना, सही है। तो प्रैक्टिस मोड है ये मतलब है जी। यार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी कहते हैं इमरान ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप इंशाल्लाह आप लोग पढ़ो, हम कहते हैं कि आप जिससे आ जाए यंग जनरेशन इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे, काम हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग इस पर काम कर रहे हैं,
लेकिन बस अल्लाह ने चाह तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी शबस पूछे सवाल है वोट। जी ठीक है, ये सवाल ये इसके कैपिटलिज्म और इस्लामिक में क्या कंपैरिजन है, ये आप खुद पढ़ लो, चीजें तो हम पढ़ चुके हैं ठीक है ना, ये पढ़ लो, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लो, एक एक नजर एक एक दफा पढ़ लो आप, सेकंड लेकर किसे कहते डिप्रेशन किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इंशाल्लाह मंडे को ये भी पढ़ लेंगे और पास पेपर भी कर लेंगे, तो ये हमारा ये 10 नंबर पढ़ लेंगे। नहीं यार फॉलो नहीं करते यार, पर्सनली मैं कहता हूँ शायद मैं गलत भी हूँ, कि जो इस्लामिक से इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो इस्लामिक बैंक से, पर्सनली ये मेरी वो है, शायद मैं गलत भी हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन इसको आप फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग कह सकते हो, फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक बैंकिंग नहीं कह सकते आप, इसको इस्लामिक बैंकिंग नहीं कह सकते यार। अगर आप इनके पास सेविंग करवा दे जाओ तो आप वही चीज देते हैं, वही इंटरेस्ट रेट और वही हमारे इनके साथ है ना कुछ लेन देन इस तरह, ठीक है ना, तो इसको आप फ्री, अगर बहुत भी आप इसको कर फ्री इंटरेस्ट कह सकते हो, लेकिन प्योर इस्लामिक बैंकिंग नहीं है ये। काम हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग इस पे काम अभी कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए अभी इंशाल्लाह, जब इसके हम ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के मोड्स पढ़ेंगे ना मोड, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये मुदारिबा, ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स के मोड है, मोड किस तरीके से आपने इस्लामिक बैंकिंग करनी है, किस तरह आपने इस्लामिक बिजनेस करना है, इस्लामिक के तरीकों से बिजनेस, तो ये मुराबिदा मुदारिबा मुराबा मुशारका ये आजकल के बैंकों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मुदारिबा मैनेजमेंट कंपनी, इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे ना फॉर्म्स में तो फिर इसका आप ऑडिट वगैरह भी करोगे। जी तो इस तरह की चीजें हैं ये, लेकिन कहने का मतलब ये कि भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आप एक दफा पढ़ लेंगे क्या क्या वो, तो अगर आपको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स क्लियर है और कैपिटलिज्म के फीचर्स क्लियर है, तो फिर आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी और कुछ जी पूछे, शाबाश, कल इंशाल्लाह क्लास नहीं लेनी ना, क्लास लेनी है कि नहीं कल, ये बताएं जरा कि कल क्लास लेनी है कि नहीं। हाँ मुझे पता था, इज एक्सपेक्टेड, ये किस चीज की छुट्टी है भाई आप लोगों ने, किस चीज की छुट्टी है, ये मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे उसको छुट्टी नहीं मिली जिसको सबक याद, सीएमए किसने छुट्टी,